देखिए, शो का नाम, हमारी सीरीज का नाम चमक है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम काला है, तो चमक के पीछे का अंधेरा। अब ये जो चमक और काला, ये एक साथ दर्शकों के लिए क्या बन के निकलते हैं, ये उनको महसूस करना पड़ेगा। जिसको कहते हैं ना, इट्स एन एक्सपीरियंस। इसमें म्यूजिक है, 28 गाने हैं, 14 आर्टिस्ट हैं, और क्राइम ड्रामा है। पंजाब में जो हो रहा है उसको दर्शाने की हिम्मत करी है पूरी टीम ने, सोनी लिव ने सबसे ज़्यादा। एंड ओवर टू माय प्रोड्यूसर एंड माय पार्टनर, माय वाइफ गीतांजलि। हाय एवरीवन। जैसा कि आपने काफ़ी न्यूज़ में रिसेंटली भी सुना होगा, किलिंग्स रहे हैं, इंसिडेंसेस रहे हैं पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री में। लेकिन एक्चुअली हमारी स्टोरी रिसेंट इंसिडेंट से पहले शुरू हो चुकी थी। हमने इनफैक्ट वन ऑफ दोज आर्टिस्ट को हमने अपने शो के लिए गेस्ट अपीयरेंस के लिए इनवाइट भी किया था, नॉट नोइंग कि क्या होगा। बट तो ये काफ़ी टाइम से सिलसिला चलता आ चुका है। काफ़ी ऐसे इंसिडेंसेस पहले हो चुके हैं, एंड ऑडियंसेस ये नहीं जानते कि इस सब चमक के पीछे अंधेरा क्या है। तो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने बड़ा पैसा ओवरनाइट कैसे होता है, ब्लिंक कैसे बनता है, ये तो वो सच्चाई लाने की हमने कोशिश करी है। ऑफ़ कोर्स एंटरटेनमेंट के ज़रिए, फिक्शनलाइज शो है, एक जर्नी है, दर्द है, प्यार है, खूब सारा म्यूज़िक है, मेन स्ट्रीम म्यूज़िक भी है, ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, तो होपफुली इंजॉय करेगी ऑडियंस। सर, आपके टी शर्ट में क्या लिखा है सर, आप बता सकते हैं? सो दिस इज बेसिकली नो आर्टिस्ट शुड बी किल्ड, या ये टैगलाइन है, ये हमारा मोटो है। नो आर्टिस्ट शुड बी किल्ड, नो आर्टिस्ट शुड बी किल्ड ऑन स्टेज। कोई भी आर्टिस्ट स्टेज पर नहीं मरना चाहिए। प्लीज़ ये संदेश लेके जाइए आप लोग भी ऑडियंस को जितना, क्योंकि ये एक ऐसी आवाज़ है जिसकी गूंज बहुत दूर तक आनी चाहिए। वी फील दिस समथिंग दैट नीड्स टू बी सेड। या थैंक यू। चमक चमक, थैंक यू।
आपका हो गया हाँ आगे अंधेरी का नाम ही अंधेरी का तूफान वहीं से उठता है फिर आता है आगे की तरफ। तो सफ़र अंधेरी से शुरू हुआ था और हम जो बाहर से आते हैं बॉम्बे हम सबका सफ़र अंधेरी से स्टार्ट होता है क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा कम बजट में अच्छे थोड़े घर मिल जाते हैं रहने को। आजकल उनके बजट भी हाई हो गए हैं तो ये इट्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स और मेरे घर वालों की ब्लेसिंग हैं, मेरे साथ आए हैं, मेरे प्रोड्यूसर की ब्लेसिंग हैं कि हम यहाँ तक पहुँच पाया हूँ मैं आज। और बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब क्या बोलूँ अब। क्या कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर को, आपने किस तरीके से अपने अंदर खाया और लोगों को काफी पसंद आ रहा है 28 मिलियन व्यूज। क्या कहना चाहेंगे यार? मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट कैरेक्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में जब मुझे मिला, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था। ही इज़ अ वेरी टोटली डिफरेंट पर्सन देन मी, क्योंकि म्यूजिक है, रेज है, इंटेंसिटी है। तो और कपड़े जैसे वो पहनता है, यूज़ टू ड्रेस अप लाइक अ नॉर्मल पंजाबी बॉय, टाइट कपड़े, टाइट टी शर्ट। तो जब मुझे मिला तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बट फिर मेरी वर्कशॉप्स हुई और मैंने काफ़ी म्यूजिशियंस को फॉलो किया इसके लिए, करेक्टर स्टडी की प्रॉपर कहाँ से आया उसका पूरा बैकड्रॉप बनाया। और फिर उसके बाद बिफोर गोइंग टू द शूट आई वॉज वेरी श्योर दैट मुझे अपने ऊपर डाउट नहीं था कोई भी, क्योंकि मेरे साथ टीम अच्छी थी सारी। तो फिर म्यूज़िक तो मैं बाथरूम सिंगर था हमेशा, बट पहली बार ही मुझे लगा कि हाँ मैं गा सकता हूँ जब ये करने लगा। यार OTT तो ब्लेसिंग है सबके लिए, ऑल द आर्टिस्ट, नॉट ओनली एक्टर्स, इवन फॉर द डायरेक्टर्स एंड ऑल द क्रिएटिव पर्सन्स, क्योंकि पहले स्कोप कम था बिकॉज ऑफ OTT। लोगों ने वर्ल्ड सिनेमा देखा लॉकडाउन में, उसके बाद उन्हें समझ आया कुछ और उन्हें उनकी वैसी देखने की चाह बढ़ी। तो एक तो OTT, उसके लिए वी ऑल आर थैंकफुल टू OTT की इतना अच्छा कॉन्टेंट है और देर इज़ अ बिग स्टोरी लाइन, बिग नैरेटिव दैट यू कैन प्ले। 8 एपिसोड 12 एपिसोड मिलते हैं आपको दिखाने के लिए स्टोरी को। और ये शो पसंद नहीं आएगा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई, क्योंकि इसमें सब कुछ है, म्यूज़िक है मोस्टली, नॉट ओनली आर्टिस्ट, एवरीबडी गेट्स ड्राइव फ्रॉम म्यूज़िक आई थिंक। तो म्यूज़िक इसकी जान है हमारे शो की, और इतनी अच्छी कास्ट है शो की, मनोज सर हैं, सुविंदर भाजी हैं, मोहित है, आकाशा है, ईशा है, प्रिंस कंवलजीत है, गिप्पी भाजी हैं। तो और थ्रिल है, रिवेंज है, मसाला है, एंटरटेनमेंट है, और क्या चाहिए शो के लिए। मैंने कभी बाल लंबे नहीं किए थे, मैं सोचा ही था कभी बाल लंबे रख सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहला होता है बाल लंबे करने इज़ अ वन थिंग, उसको कैरी करना इज़ अ सेकंड थिंग। तो जब मुझे पता चला कि ऐसे बाल रखने हैं, मैं रोहित सर को मिला, तो हमारे पास 6 महीने का टाइम था, तो मैंने अपने बाल लंबे किए। जब शूट स्टार्ट हुआ एक एक्सटेंशन लगता था, लुक टेस्ट में मेरे 6 एक्सटेंशन लगे थे, शूट के स्टार्टिंग में एक एक्सटेंशन था, जब शूट खत्म हुआ कोई एक्सटेंशन नहीं था, मैं नेचुरल हेयर थे। तो वो मेरे लिए टास्क था कि वो नेचुरल भी लगना चाहिए ना, मैं लाइफ में बाल इतने लंबे नहीं किए, मैं वही ना पंजाबी बॉय छोटे छोटे बाल रखता था। तो यही मैसेज है कि हम सब ने बहुत मेहनत की है शो में, हमारी पूरी टीम ने बहुत हार्डवर्क किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा हार्डवर्क पसंद आएगा। 7 दिसंबर को सोनीले पे आ रहा है चमक, ज़रूर देखिए, रिक्वेस्ट है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए हमारे शो के ट्रेलर को, और कमेंट कीजिए, अपने रिव्यूज़ दीजिए। बट दिस इज़ नॉट इंस्पायर्ड बाई अमर सिंह चमकीला, दिस इज़ बेसिकली इट्स ऑल फिक्शन।
और ये शो है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन जस्ट वन आर्टिस्ट, इट्स बेस्ड ऑन ऑल द आर्टिस्ट, क्या आर्टिस्ट के साथ आज तक हुआ है. तो इसमें नैरेटिव देखने में वैसा लग रहा है, बट आज तक जो आर्टिस्ट के साथ होता हुआ है वो सब दिखाया गया है, क्योंकि वो स्टोरी तो रह गई ना. ये जर्नी है काला की, वो जर्नी देखने में म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या वे थ्रू बनाते हैं वो आपको इससे पता चलेगा. सो ये कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ पे बेस्ड नहीं है, इट्स प्योर फिक्शन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हेलो हेलो. एक्साइटमेंट, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज रोहित जुगराज का शो है, सोनी लिव का शो है. आई एम वेरी हैप्पी वॉट इज हैपनिंग. व्यूज तो आने ही थे बिकॉज अच्छा शो है, सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ही होगा. डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो टू वॉच. आई एम गोना वॉच इट. सो आई एम हैप्पी फॉर रोहित जुगराज, आई एम हैप्पी फॉर सोनी लिव. सर,
कि प्रेपरेशन बहुत स्ट्रांग हो रही है. इट्स डेफिनेटली पहले से बहुत बेटर होगा. लुक तो आप देख ही रहे हो. सो हार्ड वर्क है लेकिन इट्स कमिंग आउट वेल. वी ऑलरेडी फिनिश्ड 70% ऑफ द शूट. सो मुझे लगता है 4 months, 5 months मे बी. एंड सोनी लेवल टेल यू. थैंक यू. Hi everybody, hello. Hi. Hi. हाँ दोस्त. यार सब कुछ शुरुआत से लेकर अंत तक कहानी. मेरे कुछ यार दोस्त है इसमें. अकासा है, उसको सपोर्ट करने आया हो. कास्ट एंड काला, आई मीन ही इज डूइंग, ही इज लुकिंग सो नाइस. प्लस ये आपने जो माहौल सेट किया है यहाँ पर, आई थिंक द शो इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी लाइक दिस. कि ऐसा ही शो शराब और ऐसी मस्ती होनी चाहिए शो में. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंटायर शो. यस जी बिल्कुल देखेंगे मैम, बहुत ही जल्दी देखेंगे. और आई थिंक इसी साल में 2024, वेरी वेरी सून. थैंक यू दोस्त. पहले तो नहीं आएगा, ये तो सच है. बाद में ही आएगा जो भी आएगा. लेकिन फिलहाल के लिए आई रियली होप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ गो यू नो लॉग ऑन टू सोनी लिव. प्लीज़ वॉच चमक, द स्टोरी लुक्स फैंटेस्टिक. और प्लीज़ सपोर्ट अकासा, मेरी यार है यार वो. उसके लिए आई एम हियर. सो आई रियली होप एंड प्रे दैट यू नो पीपल लाइक हर एंड पीपल लाइक एवरीथिंग अबाउट द शो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू गाइस. थैंक यू. बहुत सारे हैं यार, कौन सा उठाऊं? अरे खड़े, ओ सबका एक ही माप, सबका मालिक एक. अच्छा. हाँ भाई. ओ वाओ. यही कहना चाहेंगे कि भाई ये इस कहानी का जो बैकड्रॉप है वो पंजाब है, पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री है. और वहाँ पे जिस तरह से जो आप सब लोगों को मालूम ही है कि जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, एक्सॉशन, मर्डर, ये वो, जेलेसी बिटवीन द आर्टिस्ट, तो उसी में मेरा एक कैरेक्टर है जो कि एक म्यूज़िक कंपनी चलाता है. तो ऑब्वियसली जो एक म्यूज़िक का बैकड्रॉप है तो उसमें कंपनी का जो ओनर है वो किस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, तो उस तरह का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. और उम्मीद है लोगों को अच्छा लगेगा. जी भाई, उसमें क्या है कि हमारा जो डायरेक्टर हैं वो उनकी म्यूज़िक में बहुत अच्छी पकड़ है और उनकी बड़ी अच्छी वाकफियत है और उनकी दोस्ती है पंजाब के बहुत अच्छे अच्छे और नामचीन सिंगर से और म्यूजिशन से. तो उन्होंने उस सबको इसके अंदर डाला है, उनसे गाने कंपोज करवाए हैं, गवाए हैं. तो म्यूज़िक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सीरीज़ का, जो कि मैं कहूँगा कि इट्स अ म्यूज़िकल.
और एक स्टोरी तो है ही है, जो भी रिवेंज स्टोरी है, बट इट्स अ म्यूजिकल। सो वो क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब का बहुत अच्छा पकड़ है म्यूजिक पे, तो म्यूजिक डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज इतने सालों बाद ये तो पता चल जाता है स्क्रिप्ट पढ़ के कि कुछ बढ़िया लिखा है, और फिर रोहित ने इतनी मेहनत की है कि वो ट्रांसलेट बहुत अच्छे से हुआ है। अब हमारी भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हुई है, देखने के लिए हम भी बेकार आ रहे हैं। बहुत ऑथेंटिक, ना सिर्फ कैरेक्टर्स, लोकेशंस, स्क्रिप्ट बहुत फ्लो में है। एक बार आप कहानी पढ़ने लगे या सुनने लगे तो यू डोंट वांट टू स्टॉप। फिर कुछ कास्ट और टीम ऐसी मिल गई कि बस, कभी कभी ऐसे होता है कि सारा मिक्सचर बहुत अच्छा बन जाता है। ये वैसा ही एक टाइम है। मैं तो यही हूँ, फिल्में बनाने और वेब सीरीज़ बनाने वाले याद करें तो अच्छा है। मैं तो यही हूँ हमेशा से, अभी 33 इयर्स होने वाले हैं मुझे यहाँ। एक्चुअली मैं तो बहुत पसंद कर रही हूँ अभी जो चेंजेस आए हैं, बिकॉज खुल के हर बात हो पा रही है OTT पे स्पेशली। इस तरह की एंटरटेनमेंट हम हमेशा देखना चाहते थे एज एन एक्टर। 90s में हम सोचते थे ज़माना बदलेगा, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि OTT भी कुछ होता बनेगा और ऐसा कंटेंट अलाउ होगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मतलब आज के टाइम पे काश मैं जवान होती तो मेरी लाइफ कुछ और होती, बिकॉज काम बहुत अच्छा है अभी। मैम आप जवान ही हो। आई एम अंकिता गुराया एंड आई एम प्लेइंग नाज ड्यूरिंग द शो। आई एम रियली एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू बी हियर। एज मैम सेड, द शो इज़ वंडरफुल, द स्क्रिप्ट इज़ वंडरफुल, एंड यू नो द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट एवरी वन हैज़ मेड द शो विद सो मच पैशन एंड सो मच लव। आई थिंक दैट इज़ वॉट यू विल बी एबल टू सी with the fact that you'll be really interested in the story, you love the characters, you love the show, but I think that passion and love will really shine through. Correct. Absolutely.
आपने म्यूजिक एल्बम आई डोंट नो देखी कि नहीं सुनी है बट द सॉन्ग्स आर अमेजिंग एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इवन द रिव्यूज इन फैक्ट आर सेइंग सो बिकॉज एक तो इतने डिफरेंट जॉनर्स के गाने हैं देयर्स फोक म्यूजिक देयर्स वेरी अपबीट म्यूजिक वी हैव सो मेनी फैबुलस सिंगर्स यू हैव एमसी स्क्वायर यू हैव विक्रम यू हैव चन्ना वी हैव कवर जी यू एंड कवर जी सच अ ग्रेट सिंगर इन पंजाब एंड नाउ थ्रू चमक सब उनकी आवाज़ सुन पाएंगे उन्होंने मेरे ख्याल से 2 या 3 गाने गाए हैं इसमें सो या इट्स ग्रेट आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर अस एंड सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं म्यूजिक एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट थैंक यू ऑल्सो म्यूजिक पर ही बेस्ड है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पे बेस्ड है इसलिए गाने होना तो लाजमी था जी थैंक्स यहाँ पर